मेरे वालों नमस्कार सत श्री अकाल। अज एक जिस बहुत ही महत्वपूर्ण इशू लैके मैं थोड़े गल कर रहा कि कल लोग सभा दे विच राज्यसभा दे विच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर राघव चड्डा जी एक गल रख रहे सी, इहदे विचों गल कह रहे सी कि श्री करतारपुर साहब जाण वास्ते श्रद्धालुओं आसानी होनी चाहिए है। इस तरह उन्होंने दो तीन प्रपोजल दतिया, मैनू उन्हां दी सारी गलबात सुनन तो बाद बड़ी हैरानी हुई कि माननीय राज्यसभा मैंबर साहब शायद उन्होंने पूर्ण रूप दे विच जानकारियां नहीं सीगियां और उन्होंने राज्यसभा दे विच जिहड़े इशू रखे हैं उन्होंने पूर्ण जानकारियां लैण तो बाद उहदे ते गलबात करनी चाहिए। उन्होंने एक गल कही कि श्री करतारपुर साहब जाने वास्ते $20 यानी कि लगभग 1600 रुपया वो भारत सरकार नूं माफ करना चाहिए, जदों के मैं चड्डा साहब नूं इस गल की जानकारी देनी चाहना है, उन्होंने दसना चाहना है कि ये जिहड़ा $20 है वो भारत सरकार नहीं चार्ज कर रही, ये पाकिस्तान की सरकार जिहड़ी है वो चार्ज कर रही है। भारत की सरकार भाजपा की सरकार और मोदी जी की सरकार जिन्ना भी उत्थे किसी तरह का भी जिहड़ा खर्च हुंदा है वो सरकार अपने कोलों वाहन कर रही है, जिन्नियां भी उत्थे फैसिलिटियां दित्तियां गई हैं वो सारा खर्चा केंद्र सरकार वाहन कर रही है। जिहड़े $20 की उन्होंने चर्चा की राज्यसभा के अंदर वो $20 पाकिस्तान गौरमेंट लै रही है। सो चड्डा साहब थोड़िया जानकारियां प्राप्त करने तो बाद थोनू ये गल्लां जिहड़ियां है वो रखनिया चाहिए है। तुसी लगातार पंजाबियों और बाकी देशवासियों गुमराह करने का काम कर रहे हो, केवल सस्ती ते हल्की शोहरत हासिल करने वास्ते अजय मुद्दों नूं चक के तुसी गुमराह करने का काम कर रहे। एक गल उन्होंने होर कही कि श्री करतारपुर साहब नूं जाण वास्ते जिहड़े पासपोर्ट की प्रक्रिया है उन्होंने रद्द करके आधार कार्ड से लैके आना चाहिए। चलो अच्छा सुझाव है, जिन्हों को पासपोर्ट नहीं है वो भी श्री करतारपुर साहब जाना चाहते हैं, पर मैं दसना चाहागा कि इहदे विच भी इनवॉल्वमेंट पाकिस्तान गौरमेंट की होंगी है और इन्ना ही नहीं अज जिस ढंग नाल पाकिस्तान और पाकिस्तान उन्होंने लोगों मिलया होया जिहड़ा कि साडे देश का और खास करके पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है। सो जिदा का तुम इशू रख रहे हो तो इस गलबात तो सानू इस तरह की भी दूह आती है कि जिहड़ा अज पंजाब का माहौल खराब होया होया और तुम उन्हों संभालण दे विच बिल्कुल नाकामयाब दिखाई दे रहे हो, किते पाकिस्तान नाल तुहाडी किसी तरह की भी साठगांठ तो नहीं हैगी। सो चड्डा साहब थोड़ा इन्हों गलों विचार की जरूरत है, जिस ढंग नाल कल तरन तारण के और पहला मोहाली के अंदर मोहाली के इंटैलीजेंस ऑफिस के उपर और फिर हम तरन तारण के भी एक थाने के उपर सांझ केंद्र से जिथे डॉक्टर लांचर नाल हमला होया तो सरकार कितना कितने ये सारिया चीज़ों संभालने से बिल्कुल फेल नज़र आ रही है। सो इन गलों पर विचार करने की जरूरत है। तुसी केवल मीडिया के या सोशल मीडिया राही जिहड़ियां सुर्खियां बटोरन की गल कर रहे हो वो तो तुहानू बाहर जाना चाहिए। गुप्ता जी तुसी आधार कार्ड की गल की, आधार कार्ड भारत की सब तो सुरक्षित आइडेंटिटी मनिया जाता है हरेक व्यक्ति को है, अजिहा की खतरा होंगे जो पासपोर्ट के टल सकता आधार कार्ड के नहीं करूंगा? देखो इस तरह हैगा कि ये दो मुल्कों का मामला है, एक मुल्क चो दूसरे मुल्क वालों जाना है,
और दूसरे मुल्क चो फिर भारत देश च वापस आना है। और मैं समझता है कि दोनों सरकार की सहमति नाल सारा कुछ संभव होंगे। कला भारत सरकार ने कहने नहीं हो जाना कि उत्थे बगैर पासपोर्ट तो जी एंट्री हो जानी है। सो एक नॉर्म्स ने नॉर्म्स न इंटरनेशनल लैवल पर लागू किया जाता है। वो एक जी वी गल है कि ठीक है कि पासपोर्ट के उपर स्टैंप नहीं लगती जिस तरह बाकी मुल्क असं जाने कि उत्थे जो असं छड़ते हैं मुल्क तो फिर उन्होंने एंट्री स्टैंप लगती है। जो वापस आने फिर दोनों मुल्क की आउटगोइंग और इनकमिंग स्टैंप लगती है। सो मैं समझता कि ये इंटरनेशनल लैवल से फॉरन मिनिस्ट्री के नाल संबंधित मामले ने और ये पूरे दुनिया के इको ढंग जो लागू किए जाते हैं। दो देशों के जिथे मैं कहना बाय रोड भी लोग आते जाते हैं उत्थे भी इन्हां चीज़ों को तुसी मतलब उन्होंने कोई वो नहीं किया होया आपस बैठ के जो दोनों मुल्कों की सहमति हुई है तो किया होया ये कला जो भारत सरकार कर सकती उन्होंने तो बेस्ट फैसिलिटी दी है जी। श्री करतारपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं इस तो वध फैसिलिटी की होएगी कि एक रुपया भी साढ़े श्रद्धालुओं का कोई खर्च नहीं आता। जेडे $20 लै रहे हैं वह भी पाकिस्तान सरकार लै रही है। और मैं तो जिस ढंग चड्डा साहब कल गल रख रहे थे वो तो गल स्पष्ट नज़र आ रही थी कि उन्होंने जानकारियां नहीं है। उन्होंने जानकारी लैन तो बाद गलबात जी रखनी चाहिए। अगर फीस पाकिस्तान गवर्नमेंट माफ करनी चाहिए है अपनी फॉरन मिनिस्ट्री तो कर सकते हैं। और दूजी भी गल कर सकते हैं कि ऐसी अगर एंट्री आधार कार्ड से होनी चाहिए है विचार करने की जरूरत है। कई चीजा है पासपोर्ट हुण हिंदुस्तान बनाना बड़ा ईजी हो गया है। कोई औखा काम नहीं है पासपोर्ट हिंदुस्तान बनाना बड़ा सौखा काम है। अपलाई करो देरी हो रही है कह सकते हैं सरकार भी कह सकते हैं उत्थे एजेंसियां भी कह सकते हैं कि इन जल्दी तो जल्दी बनाया जाए। पर मैं गल तो मैनूं गल चड्डा साहब की समझ नहीं आ रही कि वह पाकिस्तान की फेवर च कोई गल कर रहे हैं। जिदा का अच्छा पंजाब का माहौल है या जिदा पाकिस्तान पिछले लंबे समय तो भारत के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं विचार करने की। अब जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक हुआ डीजीपी उस पर बोल रहे सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लैके आते तो उस तो बाद बयान देंगे कि चित्तर ट्रेड करेंगे कि डीजीपी यही बयानबाजी लगता कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए सीधा किसी देश उपर रोक लगा देना उस तो बाद क्या चित्तर ट्रेड करेंगे कि समझते सकते हैं। देखो मैं एक गल समझदा है कि जी ये सरकार है वो किसी भी पक्षों गंभीर नजर नहीं आ रहे। तीन चार जड़े प्रमुख मुद्दे ने जिन्हों गलों कह के उन्हें सरकार बनाई सी कमिटमेंट करके सरकार बनाई सी वो तो पूरे करना बड़ी दूर की गल है। बल्कि जोड़े करंट इशू ने चाहे वह बेअदबी का मामला हो बेअदबी के दोषियों को सजा देने की गल हो चाहे अज साडे पंजाब की जवानी में जोड़ा गल रहा नशा वो नशे को खत्म करने की गल हो और ये ही जिहड़ी इन्हां दी सरकार बनन तो बाद जब तो भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री बने ने पंजाब के अंदर ये आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहिए है उदों तो हुण तक जिस ढंग नाल पंजाब की कानून व्यवस्था खराब हुई जिस ढंग नाल आए दिन मर्डर हो रहे हैं और हुण नवीं गल हो रही है कि फिरौतियां मंगियां जा रही हैं। परसों साडे युवा मोर्चा के जिला प्रधान के परिवार के अंदर उहदे चचेरे भरा दी गोलियां मार के फरौती के कारण हत्या करती गई फरौती की मांग करते हुए कि जो पैसे उन्होंने तो 20 लाख रुपया मंगया गया फिर 30 लाख रुपया मंगया गया और यह फरौती दटनावान कोई एक नहीं हैगी। तुसी पंजाब के बहुत बोल ही रहे चुप घर बैठे जड़े ने समझौते कर रहे हैं कई गल्लां साढ़े तक पहुंचियां ने जो फरौती की मांग की गई है। अज कल्ला खून खराबे का मामला नहीं फरौतियों का भी एक बहुत वड्डा रैकेट जिहड़ा पंजाब दे विच एक्टिव हो गया है। गुप्ता जी रिंदा हो गया डल्ला हो गया सुखा दुनू के हो गया
लंडा हो गया, ये सारे विदेशों से बैठे गए थे, कितना कितने भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती कि उन्होंने उपर कार्रवाई करके उन्होंने पंजाब लिया जाए या हिंदुस्तान लिया के उन्होंने उपर कार्रवाई की जाए। जेकर सोतिया की गल आई तो विदेशों चो मंगी जाती, कितने कितने केंद्र सरकार की जाए केंद्र सरकार की एजेंसियों की जिम्मेवारी उस पर। नहीं नहीं देखो ऐसा है, केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है सारे मामले में, जिथे तक भी कोई गैंगस्टर की गल आती है या कोई ऐसे अंसर की गल आती है जिहड़ा साडे मुल्क नूं बाहर बैठ के परेशान कर रहा है, उहदे ते सरकार बड़ी गंभीरता दे नाल केंद्र सरकार काम कर रही है। पंजाब की गल करिए पंजाब के अंदर तो जिहड़े पंजाब पुलिस है पंजाब दे विच जिन्हां चीज़ां की जरूरत है जो चीज़ां लागू करनियां चाहीदियां है, अज तो पहला 8 महीने पहला तो पंजाब दे विच फरोतियां नहीं मंगियां जा रही सी, अज तो पहला तो पंजाब के अंदर इस तरह खून खराबा नहीं हो रहा सी, 10 साल भारतीय जनता पार्टी के श्रोमणी अकाली दल की सरकार भी रही है ऐसा का अजिहा कुछ हो जो तो हो नहीं रहा सी। एकदम की हो गया कि 8 महीने पहला सरकार आई है और 8 महीने आने के बीच ही एकदम इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है। पर डीजीपी तो पंजाब का दावा करते कि क्राइम पे घट है या यूपी का एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल ने कि पंजाब जो क्राइम बॉक्स स्टेट बाकी खेतों में घट है। नहीं मैं मैनू गल नहीं समझ आई डीजीपी साहब की कि क्राइम का कंपेरिजन असी जड़िया कुछ अज यूपी के अंदर जाके यूपी पता कर शायद चलो डीजीपी साहब को ज़्यादा आंकड़े पता होंगे, पर पंजाब के अंदर जो 8 महीने पहला के क्राइम और अज के क्राइम के बीच जरा मिला के देखा ना ये कोई अवार्ड इस तरह लेना चाहता भी जो कोई क्रिमिनल स्टेट है, मान लो कोई क्रिमिनल स्टेट हैगी है, मैं क्योंकि आंकड़े लैके नहीं बैठा नहीं तो मैं इस भी तुम्हारे गल कर सकता सर कि यूपी कितना शांत हो गया पहला नालों कितना पहला नालों लोग उत्थे दोबारा सरकार अगर बन रही हैं तो उत्थे लाल नगर से बनिया है ये मिसाल है कि उत्थे दे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किस ढंग नाल यूपी के अंदर काम किया है। पंजाब का माहौल जो 8 महीने पहला सीगा ओदे ते विचार करने की गल है कि 8 महीने पहला कि कुछ हो रहा है जो अज हो रहा है। केंद्र की एजेंसियां क्यों देखदी कि सुरक्षा प्रोवाइड पंजाब नूं करवाउणगीआं, तुसीं केंद्र दे नाल गल करोगे पंजाब दा माहौल खराब हो रहा कि पंजाब नूं हुण पंजाब पुलिस नहीं संभाल सकदी सुरक्षा केंद्र दी प्रोवाइड करवाउणी। नहीं इस तरह हैगा कमलदीप जी, देखो बड़ी गंभीर गल है कि ये कला इस तरह नहीं होंदा कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी नाल कोई इत्थे सुरक्षा एजेंसियां भेज दे, ये मंग करनी हुंदी है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार अजे तक सिद्धू मूसेवाला के कातलों को पकड़ने के लिए नाकामयाब साबित हुई है। अज के डेट जिन्हें भी नंगल अंबिया हो गया या बाकी जो वे वे मर्डर हुए हैं उन्होंने दोषियों फड़न काम नाकामयाब साबित हुई है। और जिस ढंग हम परसों साढ़े मोर्चे के कार्यकर्ता के घर परिवार के अंदर गोलियां मार के फरौती के कारण डैथ हो गई, अच्छे तक कोई किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सो अज भी एक वही घटना हुई मोहाली के अंदर पहला वही घटना हुई, तो ये तो साबित होंगे कि यह सरकार जी हैगी है वह बिल्कुल ही गंभीर नहीं हैगी और ये आने वाले समय के अंदर पंजाब के माहौल होर बिगड़न का खतरा है। आखिरी सवाल मेरा की कमी कितने लगी अफसर की कमी है या प्रशासनिक ढांचे के कितने ना कि कमी है। देखो पंजाब सरकार की कार्यशैली से बहुत तरह के प्रश्न है, वह बिल्कुल गंभीर नहीं हैगी और मैं समझना जिते वो सरकार चलाने के अंजाम दिखाई दे रहे हैं उत्थे गंभीरता से गंभीरता भी काम करने की शैली के बिल्कुल नजर आ रहा है।